हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिट मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चले दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते है। तो दोस्तों, संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्पिरिट की स्क्रिप्ट का मेजर काम पूरा हो चुका है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि वो स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने वाले हैं। कबीर सिंह और एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा फिलहाल हॉट प्रॉपर्टी बने हुए हैं। ट्रेड एक्सपर्ट से लेकर जनता तक जानना चाहती है कि वो आगे कौन से प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। एनिमल की कामयाबी के बाद ये अनाउंस किया गया था कि वो एनिमल पार्क, प्रभास की स्पिरिट और अल्लू अर्जुन वाली फिल्म पर काम करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो इन तीनों फिल्मों से पहले स्पिरिट पर ध्यान देंगे। और अब बताया जा रहा है कि स्क्रिप्ट की कहानी का काम लगभग पूरा हो चुका है और 2024 के आखिरी महीनों में स्पिरिट की शूटिंग भी शुरू हो सकती है। और अब खबर आ रही है कि स्पिरिट खिसक सकती है। एनिमल की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद संदीप रेड्डी वांगा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो स्पिरिट के स्केल को और भी बनाना चाहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्पिरिट की स्क्रिप्ट पर मेजर काम पूरा हो चुका है और अब खबर आ रही है कि मार्च 2024 से वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे। उन्हें फिल्म लिखने में 6 से 8 महीने लगेंगे। उस लॉजिक से इस साल के अंत तक स्पिरिट फ्लोर पर नहीं जा पाएगी। फिल्म की शूटिंग अगर 2025 में भी शुरू होती है तो ये 2026 में ही रिलीज किया जाएगा। इसका असर एनिमल पार्क और अल्लू अर्जुन वाली फिल्म पर भी पड़ेगा। बाकी साल 2024 में प्रभास की सिर्फ एक मूवी रिलीज होने वाली है। 9 मई 2024 को कल्कि 2898 एडी आ रही है। इस साइंस फिक्शन फिल्म में प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर ने भी काम किया है। इसके बाद उनकी अगली रिलीज द राजा साहब है। इस फिल्म को बीती पोंगल पर अनाउंस किया गया था। बताया जा रहा है कि ये रोमांटिक हॉरर मूवी 2025 में सिनेमा घरों में उतरने वाली है और इसी के बाद वो स्पिरिट मूवी आ सकती है। तो फैंस को भी स्पिरिट मूवी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे भी स्पिरिट मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।